मध्य प्रदेश के रतलाम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर शव को घर में ही दफन कर दिया है। घटना की जानकारी तब लगी जब पुलिस को गुप्त सूचना से पता चला कि आरोपी की पत्नी और बच्चे काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। पड़ोसियों ने किसी अनहोनी की आशंका को दिखाते हुए पुलिस को सूचित किया। पड़ोसियों की शिकायतों के बाद पुलिस आरोपी के घर पहुंची और यहाँ खुदाई की, जहाँ विंध्यवासिनी कॉलोनी के घर की खुदाई में एक महिला और दो बच्चों के शव बरामद हुए। घटना की जानकारी देते हुए एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि आरोपी सोनू ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी और शव जमीन में गाड़ दिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ एफएसएल की टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी सोनू ने पत्नी और बच्चों की हत्या 2 महीने पहले ही की थी। सोनू रेलवे में काम करता था और निशा से उसकी शादी हुई थी। उसका पत्नी से झगड़ा हुआ जिसके बाद उसने पत्नी और बच्चों को मार डाला। लोगों को पत्नी और बच्चों दिखाई नहीं दिए। जब पड़ोसियों ने उससे पूछा तो वो टालता रहा। इसके बाद पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। पास में कुल्हाड़ी थी तो कुल्हाड़ी से उसने जुआ किया, ऐसा इसके द्वारा बताया जाना है। लेकिन उसके बाद फिर जब एक घटना होने के बाद फिर दूसरा बच्चा एवं पत्नी का हत्या की और इसमें एक और आरोपी, वो पहले वाले बाइट में नहीं आया पर एक और आरोपी हम लोगों ने पकड़ा जिसमें जिससे इसने संपर्क किया और फिर ये गड्ढा खुदवा के और उसमें साक्षी छुपाने के लिए यहाँ करवाने के लिए एक अन्य आरोपी ने भी इसकी मदद की। जो उसका दोस्त है उसका, हेलो, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया।